बच्चों मामा ने सारी का लड्डू खा लिया, अब मैं खाऊंगा। हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो। और आज ना मेरी मामा की शादी हो रही है, और देखो मेरी टी शर्ट नहीं, कुर्ता। और हम लोग ना बहुत लेट हो गए, बारात पल्ली छाल पहुंच गई है, और रुद्रांश के पापा अभी तक तैयार नहीं हुए। जीजा को लग रहा है टाइम, उनको ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास वो कैप्टन भी है ना, इसलिए, और एडिटिंग भी कर रहे होंगे। हम दीदी के साथ आ रहे हैं। हाँ, ये हम मेरे दीदी के बॉडीगार्ड, ये लोग मेरे साथ आ रहे हैं, बोल रहे हैं बॉडीगार्ड हैं हम। अभी हम लोग रोड पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे खूब डांस हो रहा है। राशि का गाउन जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। और उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है देवांशी। बिल्कुल लगेगी। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का आए। ये गाड़ी दूल्हे की है और दूल्हा अंदर बैठ गया है। दूल्हा कौन है? मेरा भाई। और ये लोग ना गाड़ी सजा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये जो सारे फूल है ना, ये वापस दे देना भाई। दोस्तों रुद्रांश दादाजी के साथ चला गया है, और अभी दूल्हे की गाड़ी नहीं गई है, तो सारी दादियां चाचियां सब यहां पर खड़ी है। चलो मिलते हैं तुम्हें हाँ ससुराल में। चलो आओ। कुछ दिक्कत नहीं हो रही ना? वॉशरूम लगी हो तो रोक देना गाड़ी। स्माइल कर। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि लड़कियों को मेकअप करने के लिए ना शादी से पहले एक हफ्ते का टाइम चाहिए, तब जाके भी पूरा नहीं होता, उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगाती है। बताओ। अच्छा, और आप जो 20 बार कॉल करके मुझे पूछ रहे हैं मेरे टोपी का है, मेरे जूते का है, मेरे चप्पल का है, मेरा कुर्ता का है, उसका क्या? वो नहीं, वो नॉर्मल है। वो इनको तैयार होने के लिए फिर एक महीना चाहिए ना। हाँ। फिर उनका सामान, आप लोगों को हर एक सामान एक एक हफ्ते में मिलेगा। अपनी बारी आए तो चिढ़ गए। यहाँ देखो जरा, क्या देख लो, हम इतने स्मार्ट लग रहे। स्मार्ट नहीं, सुंदर लग रहे। अब मैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ दोस्तों। हाँ, स्मार्ट लग रहा हूँ। हैंडसम लग रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ना, स्मार्ट लग रही हूँ मैं। क्या मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ? स्मार्ट होता है, स्मार्ट मतलब दिमाग से सो गई है यार। स्मेल आ रही है, आपको पसंद थी? तेरी नाक के अंदर से आ रही होगी। ये बीच में मुझे इतनी रिंग लग रही है दोस्तों, मुझे लगता है गाड़ी हिल रही है। दोस्तों ये है मेरी शैली, मैं हूँ इसका जीजा, हम दोनों खाएंगे अंबाला में पिज्जा। और आधा मुझे भी दे देना दिल्ली में आके। नहीं दिल्ली में नहीं, अंबाला में ही देना। अच्छा आप अंबाला आओगे? सिखाते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना सो करेगी काम, मेरे गांव जा, मेरा फोन का चार्जर ले के ए दीवान। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मेरी मम्मी फ्रूटी पी रही है। मम्मी फ्रूटी क्यों पीते? हमारी वो छूट गई। बहुत चढ़ाई है। दोस्तों हम यहाँ पर पहले बहुत सारे डांस करेंगे, फिर मामी के घर में जाएंगे। और मामी से क्या मांगोगे? लड्डू। लड्डू? हाँ। वो तो मामा खाएगा। गाड़ी मांगूंगा। गाड़ी? हाँ। चलो जाओ 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 जाओ, दोनों हाथ मिला। दोस्तों हम मामी
के गाँव पहुंच चुके हैं, अब हम फटाका फोड़ेंगे। अरे यहाँ पे अभी रिबन काट रहे हैं और दूल्हे की सालियाँ दूल्हे का वेलकम कर रही है। प्लीज जल्दी खाओ प्लीज। अरे गया, इसे बोलते हैं खाना। ये देखो नीचे से क्या है। अरे ये तेरी बीवी के लिए है। ये चाय जी मैं खिला दे सबके लिए। दोस्तों पता है आपको अब मामा मामी क्या करेंगे? क्या करेंगे? जय माता जी नहीं जय माला और फोटो खींचेंगे। चलो देखने चले। हाँ चलो और खाना भी खाएंगे। चलो खाते भी हैं। चलो अब कैसे बोला? मस्त बोला। शीश में मुझको सुहाए तुझ संग सुखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। दोस्तों देवांश और रुद्रांश तो पनीर चावल के मजे ले रहे हैं क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था, और हम खा रहे हैं गुलाब जामुन वो भी सालियों के हाथ से। है ना मजेदार बात? दोस्तों तो अभी ना जो टाइम हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। टाइम अभी हो रहा है कितना हो रहा है? दोस्तों अब मामा ना मामी को लड्डू खिलाएगा। और आपको? आप मेरे को भी खिलाएगा। अरे खाओ इधर मत देना। भी नॉन निकाल दे। मक्की खाली मामा। ले बोला। दोस्तों मामा ने सारी का लड्डू खा लिया, अब मैं खाऊंगा। दोस्तों अभी शादी होती रहेगी लेकिन मैं रुद्र और देवांशी घर जा रहे हैं। रासीना बाद में आएंगी, हम दुल्हन के साथ आएंगे। और हम जा रहे हैं यार। मेरी आवाज ना खराब हो गई है क्योंकि मैंने भाई की शादी में शायद सबसे ज्यादा घी खाया। अच्छा मेरी शादी में क्या खाया था? तब मेरी आवाज खराब नहीं हुई थी, तब इन्होंने बस तब मैंने शादी का लड्डू खाया था। कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग? बहुत ही अच्छा। अपना ख्याल रखना, तब तक ले बाय, लव यू, कल मिलेंगे। कैप्टन। दोस्तों कैप्टन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बढ़िया है कैप्टन, आप लोग चिंता मत करना। हाँ हाँ देखो। धरे चूला लेन मां।